अमिताभ बच्चन जी वे अपने पिताजी के बारे में यहाँ पर हमें बताते हैं कि उनके पिताजी पायनियर प्रेस में वे काम किया करते थे और उनकी जो लिखावट थी शुद्ध थी और हिसाब किताब साफ रखने की आदत और अपने दफ्तर में होते समय उनका काम पूरा करकर वे अपने सहकर्मियों का भी काम अपने मेज पर रखते थे और दफ्तर बंद हो जाने के बाद भी घंटों देर रात तक वे वहां पर काम किया करते थे। इन सारे गुणों के कारण अधिकारियों उस दफ्तर के अधिकारी और सहकर्मियों में वे प्रिय बन गए थे और मेरे घर से उनके दफ्तर का फासला लगभग 4 मील था। 1 मील यानी लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, तो 4 मील का फासला था, तो घर से दफ्तर 4 मील पैदल जाना और दफ्तर से घर पर 4 मील पैदल आना, हमेशा वे पैदल ही आया जाया करते थे। शायद पूरे पैसे बचाने के लिए ऐसा किया करते थे, ऐसा लेखक लिखते हैं और आगे कहते हैं कि उन्होंने कभी साइकिल खरीदी नहीं और उसकी सवारी भी नहीं की। एक विशिष्ट प्रकार की पोशाक वे दफ्तर जाने के लिए हमेशा परिधान करते थे। पैरों में काला जूता और ढीला पाजामा, अचकन यानी शेरवानी और सर पर दुपल्ली टोपी, यही पोशाक जब तक वे दफ्तर गए इसी पोशाक में गए हमेशा दफ्तर ले थे। और दफ्तर से अगर उन्हें कहीं बाहर जाना हो दूसरी ओर, तो वे ढीली धोती और उस पर मंद गले का काला कोट हमेशा पहना करते थे। और सर्दी के दिनों में मेरी माँ के हाथों बना हुआ जो गुलबंद था, गुलबंद यानी मफलर, हमेशा उनके गले में पड़ा रहता था। इसी के साथ लेखक आगे बताते हैं कि जब भी वे बाहर निकलते थे तो उनके हाथ में हमेशा छाता रहा करता था, छाता अपने साथ में लेकर जाया करते थे। और रात के समय में अगर मौसम साफ हो तो अपने हाथों में वे डंडा लेकर बाहर निकलते थे। डंडा भी पतला नहीं, मोटा वाला डंडा वे हमेशा अपने साथ रखा करते थे।